अभी हम लोग आरटीसी ऑफिस, आरटीसी ऑफिस बगल में कलेक्टर ऑफिस, बगल में बीएसएनएल ऑफिस, इसके बगल में कचहरी, और हर तरफ आना जाना में आप देख सकते हैं। कल रात को मामूली बरसात हुआ तो ये हालत है। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ रोड बना गया, रोड में हम लोगों ने भी न्यूज में दिखाया था कि पानी का निकास किधर से होगा, तो लेकिन उस समय कोई सुनने वाला नहीं था, बस लोगों ने हमारे चैनल को मजाक में उड़ा दिया। आज उसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं, ठीक कलेक्टर ऑफिस के बगल में आरटीसी ऑफिस। यदि आपको आरटीसी ऑफिस आना होगा तो कैसे आएंगे, कितने पानी हैं, अब पानियों में खास करके लोग ग्रीवेंस के लिए आते हैं, इस पानी को लांघते हुए आपको आरटीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ेगा। आप देखिए संबलपुर धान, हमारे भाई साहब लोग भी कहते हैं, आइए देखिए, ये संबलपुर महानगर निगम, ये महानगर निगम का ये हालत है। खुद प्रशासन के यहाँ जब पानी जाम है तो आम पब्लिक क्या करेगी, किसके पास जाएगी, किसको कंप्लेंट करेगी। हम भी चाहेंगे प्रशासन का, अरे प्रशासन जी आप भी जाके देखिए, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है आप लोग सामने देख सकते हैं, किस तरह पास से संबलपुर के पैसे मट्टी पलोत हो रही है। बस ठेकेदार मस्ती मारते हैं, ऑफिसर मस्ती मारते हैं, और लोग परेशान, और यहाँ पर टैक्स लादे जाते हैं। हम ये खर्चे करते हो खर्चे, ये खर्चों का परिणाम आप दे सकते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह गर्व, एक बारिश में बोले बोले। हाँ बोले सर, आपका नाम आया है। तो रोड और नाली को उतले बोनी थी हूँ, अबे रोड और नाली बोनी थी लेको है अभी सुना, एक कहते एक बरसात में ये हालत है तो और आगे क्या होगा, आइए आपको दिखा रहे। जो सरकार चलाते हैं संबलपुर के चलाते हैं, आज उनकी ये हालत है तो आम जनता की क्या हालत होगी। ये कोई मोहल्ले में ऐसे तो कोई देखने वाला नहीं, वो अपने आप को तो देख नहीं सकते हैं, आपको क्या देखेंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।